आज हम सीखेंगे छोटे बच्चे की नैपी बनाना। मैं आपको बताऊंगी कि आप इजीली घर में कैसे रह के छोटे बच्चों के लिए नैपी बना सकते हो, जो बहुत ही ज्यादा आसान है। जिसके लिए आपको एक चोरस पीस लेना है कपड़े का, जो बहुत ही सॉफ्ट और कॉटन का होना चाहिए, इस तरह से जो मैंने लिया हुआ है। छोटे बच्चे की नैपी बनाने से पहले आप इस तरह के चोरस पीस को ऐसे फोल्ड करोगे, इस तरह से। ऐसे फोल्ड करने के बाद ये देखिए, इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करने के बाद हम ये यहाँ सारी कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये जो आप सिलाई लगाओगे, ये आप अपने स्टिचिंग मशीन के ऊपर भी लगा सकते हो, या आप इजीली अपने जैसे सुई धागा होता है उससे भी आप इसको स्टिच कर सकते हो, जैसे मैंने ये यहाँ पर करी हुई है पहले से। जैसे कि मैंने पहले से ही सिलाई कर दी है, ये देखिए इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही सिलाई कर दी है। ऐसे यहाँ सारी सिलाई लगाने के बाद आपने यहाँ से थोड़ा सा गैप छोड़ देना सिलाई का, ठीक है। यहाँ तक आपने सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि अब मैं इसको सीधा करूंगी इस तरह से। अब इसे मैंने सीधा कर दी है, सीधा करने के बाद ही इस तरह हो जाएगा। अब हम यहाँ हर एक कॉर्नर पर पाइपिंग लगाएंगे, जो मैंने पाइपिंग इस तरह से रेडी करी हुई है, ठीक है। हम एक एक छोटा सा पीस इस तरह से काट लेंगे और दो पीस इस तरह से कटिंग हो जाएंगे। अब ये जो एक पीस है वो यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पर। हम इसे इस तरह से अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको अटैच कर देंगे। सेम इधर भी हम इस पीस को ऐसे इस तरह से अटैच करेंगे। अब मैंने जो छोटा पीस कटिंग किया था उसको आप इस तरह से फोल्ड करोगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसको इसकी बैक साइड पे सेम उसी तरह अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इस तरह से एक छोटे बच्चे के लिए नैपी रेडी कर दी है, जो आप घर में इजीली बैठ के आसानी से इसको बना सकते हैं। ये इस तरह से, इसमें से निकाल के इस तरह से बनेगी।
ठीक है फ्रेंड।